हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बच्चों पे। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा दोस्तों कि कुछ बच्चे होते हैं ना, कम पढ़ते हैं और उन्हें तुरंत याद हो जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मेहनत तो बहुत करते हैं बट वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाते या उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। कई बार ये प्रॉब्लम्स होती है और पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं कई बार। तो दोस्तों, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। कई बार क्या होता है ना, बच्चा चंचल स्वभाव का होता है और वो पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेता, या कई बार क्या होता है वो कोशिश तो बहुत करता है बट वो कंसंट्रेट बना ही नहीं पाता, वो अपना कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाता कि वो चीज़ों को समझे या पढ़े। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम्स मोस्टली पेरेंट्स को करनी पड़ती है, ख़ासतौर पे जब बच्चा आपका छोटा होता है, कम समझदार होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप चीज़ों को समझने लगते हैं कि उन्हें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पर जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो बहुत चंचल होते हैं और हम उनसे कहते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम क्या करें कि जिससे बच्चे अपना कंसंट्रेट बढ़ा सकें या वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको समझ पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि अगर बच्चे इस तरह से करते हैं तो वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने बच्चों से, अगर बच्चा लिख लेता है, बोल लेता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अगर बच्चा लिख लेता है तो आप एक प्लेन कॉपी लीजिए, उस पे ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप प्लेन या लाइनिंग की कॉपी ले लीजिए, ऊपर एक लाइन आप लिख दीजिए अच्छे से, और इसके बाद उसको बच्चे को बोलो कि आप डेली इसमें 5 लाइन्स लिखोगे, आप इसमें डेली 5 लाइन्स इसको देख देख के लिखोगे। तो क्या होता है ना दोस्तों, जिस टाइम हम ये लिखते हैं ना तो उस टाइम हम मन में बोल भी रहे होते हैं और लिख भी रहते हैं। हमारा माइंड और हमारा हाथ में जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक साथ काम कर रही होती हैं। तो ये क्या होता है ना, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमें यही चाहिए बच्चों के लिए कि वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सके। तो इसमें से बच्चे लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, और इसको डेली आप 5 टाइम्स करवाइए, जिस टाइम टाइम मिले, कोई फिक्स टाइम नहीं है, सुबह भी कर सकता है या जब सुबह अगर स्कूल जाने का टाइम होता है, बच्चे के पास टाइम है तो सुबह भी उठ के लिख ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आके शाम टाइम, किसी भी टाइम ये कर सकता है, और जिस टाइम वो करेगा तो ऐसे उसको बहुत ज़्यादा मतलब इजी फील होगा और वो चीज़ों को अच्छे से लिख पाएगा। क्योंकि हम बच्चों से ये नहीं कह सकते कि आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, सब बच्चे नहीं करते क्योंकि उनसे ये चीज़ें हो ही नहीं पाती, या तो आप उनके साथ बराबर लगो तब भी। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, ये सब कोई कर सकता है। और दोस्तों, ये जो गायत्री मंत्र है इसकी लिखी हुई कॉपियाँ भी मार्केट में मिलती हैं, कॉपी होती है उसमें एक लाइन ऊपर लिखा होता है, प्रिंटेड होता है, और फिर नीचे आप अपना उसी को देख देख के लिखते रहो। तो अगर वो आपको कॉपी मिल जाती है तो आपको कॉपी ला के दे दो बच्चों को, और उनसे बोलो कि आप डेली 5 टाइम्स इसको लिखिए। और दोस्तों, दूसरा, जब भी बच्चा सोने जाता है तो होता क्या है ना, आज के समय में बच्चे दिन भर टीवी है, गेम्स है, फ़ोन है, इसमें सब लगे होते हैं, और वो जो चीज़ देखते हैं जब सोने जाता है बच्चा, तो उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही होती हैं कि उसमें क्या हुआ, मैंने गेम में क्या खेला, फ़ोन में मैंने क्या देखा, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों से उसका माइंड हटाने के लिए, कि वो सब सोते समय ये सब चीज़ें ना सोचे, कुछ अच्छा सोचे, तो उसके लिए आप जब बच्चा सोने जाता है बिस्तर में तो उससे बोलो कि आप 5 टाइम्स गायत्री मंत्र बोलो, 5 टाइम्स गायत्री मंत्र बोलो, इसके बाद आप सोना। और जब बच्चा ये करने लगेगा ना तो उसे अच्छा लगने लगेगा और वो डेली करने भी लगेगा। तो इस गायत्री मंत्र के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो हमारा ही कंसंट्रेशन के लिए हम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और
कहते ना डिसिप्लिन, ये चीज़ें भी आती हैं। जब आपका बच्चा सोते समय डेली बोलेगा तो फिर उस टाइम जब लेटेगा ना तो उसका दिमाग उस चीज़ पे जाएगा, वो टीवी फ़ोन इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। तो आप ये कर सकती हैं कि एक तो ओम भूर्भुवस्सः आप डेली 5 टाइम्स लिखवाइए, सोते समय आप उसको बोलिए कि आप 5 टाइम्स बोलो सो जाओ। अगर वो नहीं करता तो आप भी उसके साथ करो, जिस टाइम सोने जाते हो आप लेटो उसके साथ, उससे पहले आप भी करो तो वो भी करेगा देख के। और दोस्तों, अगर ये किसी बच्चे को कठिन लगता है लिखना, इतना सारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है या बोलने में कठिनाई होती है, तो आप दूसरा उपाय कर सकती हैं कि आप ओम नमः शिवाय, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 टाइम्स कॉपी पे लिखवाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ। और इसके साथ साथ बोलते जाओ लिखते जाओ, या फिर आप अगर ध्यान लगा सकते हो तो जैसे हम ओम बोलते हैं ना, आप बैठ जाओ और इसके बाद 5 मिनट्स तक आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो, और अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो बस, और कुछ नहीं करना। आप ओम नमः शिवाय बोलो, अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो ये। और सोते समय भी आप जब सोने जा रहे हैं तो बिस्तर में फिर से आप 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, भगवान को प्रणाम करो, थैंक यू करो, और इसके बाद आप सो जाओ। तो दोस्तों, इन दो चीज़ों को करने से, दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं करनी, आप एक चीज़ करिए। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं लिखते हैं तो उसको केवल करिए, अगर आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो आप केवल इसको करिए। और आप इसमें से देखेंगे ना कि बच्चे में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। और गायत्री मंत्र के तो वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। तो आप गायत्री मंत्र हो चाहे शिव का नाम हो, अपने आप में संपूर्ण है, तो आप इनको करवा के ज़रूर देखना अपने बच्चों को, आपको ज़रूर फ़ायदा समझ में आएगा। और बच्चों को जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स है, जो चंचलता की प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई में ध्यान ना दे पाने की, उसमें आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर करें दोस्तों। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।